हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल डोर अल्टीमेट चेयर में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है, हम कैसे पता करें हमारी फीमेल डॉग प्रेग्नेंट है। इसके बारे में किसी को अच्छी तरह से पता नहीं होता है, और वेटरिनरी पॉसिबल ना होने के कारण सिटी में तो लोगों को एक्सरे वैक्सरे कराने। हम आज आपको चार सिंपल स्टेप बताएंगे जिससे आप अपने घर पे पता कर सकते हैं आपकी फीमेल डॉग प्रेग्नेंट है या नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जब आपकी फीमेल की मैटिंग के 10 से 25 दिन के बीच में आपकी फीमेल वैजिनल डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें एक वाइट सा लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाता है उसकी वैजिनल से, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकता है कि आपकी फीमेल 70% कंसीड कर रही है। ये फॉल्स प्रेगनेंसी में भी होता है, लेकिन आपको इसमें 70% अंदाज़ा लग जाता है आपकी फीमेल कंसीड कर रही है। दूसरा दोस्तों, जब आप अपने फीमेल डॉग को मैट करवाते हैं, आप उस टाइम पर अपने फीमेल डॉग का वेट कर लीजिए, आपकी फीमेल टोटा बॉडी वेट कितना है, और उसको मैट होने के 35 डेज के बाद आप उसका दोबारा से वेट कीजिए। तो अगर आपको लगता है उसका वेट 2 या 3 kg गेन हुआ है तो आपकी फीमेल कंसीव है। तीसरा दोस्तों, फीमेल का बिहेवियर चेंज। अगर आपका फीमेल डॉग मैटिंग के बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो अपने मालिक के आसपास अपने ओनर के आसपास ज़्यादा रहता है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं आपकी फीमेल डॉग कंसीव है, जिससे आपकी फीमेल डॉग प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो अपने मालिक के आसपास रहेगी। प्रेग्नेंट होने के बाद आप उसके साथ ज़्यादा चाहेगी। और चौथा दोस्तों है, आपकी फीमेल डॉग के निप्पल का कलर पिंक होना स्टार्ट कर देता है। जो आपकी फीमेल डॉग के निप्पल होते हैं जिनसे दूध आता है, उसका कलर पिंक कलर का हो जाता है, इससे भी आप पता लगा सकते हैं आपकी फीमेल डॉग प्रेग्नेंट है या नहीं। अच्छा दोस्तों, अगर आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं हमारे नेक्स्ट वीडियो किस बारे में हो। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।